होम सिग्नल के बाद ही वो पॉइंट आता है जहां से लूप लाइन निकलती है, ढेर सारी और भी सारे पॉइंट्स होते हैं, क्रॉस ओवर वगैरह होता है, उन सबसे पहले ही होम सिग्नल लगा रहता है। तो होम सिग्नल उन पॉइंट को गार्ड भी करता है, उन पॉइंट की सुरक्षा भी करता है। तो अब बात ये उठती है कि होम सिग्नल तो लग गया है, लेकिन लोको पायलट को ये कैसे पता चलता है कि वो किस लाइन में जा रहा है? जब किसी स्टेशन पर एक से अधिक लाइन है तो उसे ये कैसे बताया जाता है, कैसे कन्वे किया जाता है कि आप किस लाइन पर जा रहे हैं? तो रूट इंडिकेटर यूज होता है। दोस्तों, रूटिंग सिग्नल एक ऐसा सिग्नल है जिसका उपयोग लोको पायलट को यह संकेत देने के लिए किया जाता है कि दो अथवा अधिक मुड़ने वाली लाइनों में से कौन सी लाइन उसके लिए सेट की गई है। जी हाँ दोस्तों, जब होम सिग्नल ये बताने में असमर्थ होता है कि ट्रेन कौन सी लाइन में जाएगी, तो रूटिंग सिग्नल का प्रयोग किया जाता है, जिसे देखकर चालक ये समझ पाता है कि ट्रेन कौन सी लाइन में जाएगी। जब स्टेशन से आप लीव करते हैं या स्टेशन में इंटर करते हैं और लाइन अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट होता है, यानी लाइन इधर से उधर, एक लाइन से दो लाइन, दो लाइन से तीन लाइन पॉइंट मशीन के द्वारा अलग अलग होता है, उस पॉइंट पे ये आपका सिग्नल लगता है। दोस्तों, इसे होम सिग्नल पर लगाया जाता है या अकेले होम सिग्नल के आगे लगाया जाता है जहाँ से अलग अलग लाइन निकलती है। दोस्तों, जंक्शन स्टेशनों पर जहाँ दो से अधिक लाइनें निकलती है, ऐसी स्थिति में इसे स्टार्टर सिग्नल पर भी लगाया जाता है। रूट इंडिकेटर तीन प्रकार के होते हैं। पहला है जंक्शन टाइप रूट इंडिकेटर, दूसरा है मल्टीपल लैंप टाइप रूट इंडिकेटर और तीसरा है स्टेंसिल टाइप रूट इंडिकेटर। चलिए आइए अब बात करते हैं जंक्शन टाइप रूट इंडिकेटर के बारे में। तो जंक्शन टाइप रूट इंडिकेटर केवल कलर लाइट सिग्नलिंग सिस्टम में ही लगाया जाता है। इसमें पांच बल्ब की एक पंक्ति होता है और पंक्तियों की संख्या उतनी ही होता है जितना कि उस स्टेशन में लूप लाइन की संख्या होता है। प्रत्येक पंक्ति किसी एक लूप लाइन से रिलेटेड होता है और गाड़ी जिस लाइन में जाएगा उस लाइन के रूट लूनर बल्ब जलेंगे, साथ ही साथ होम सिग्नल के येलो एस्पेक्ट जलेगा। जिस तरफ अगर राइट हैंड साइड पर ये स्ट्रिप लगी है और जल रही है, तो इसका मतलब कि आप का डाइवर्जेंस राइट हैंड साइड पर है, मतलब आप राइट हैंड साइड की लूप लाइन पर जा रहे हैं। अगर लेफ्ट हैंड साइड पर ये लगा हुआ है आपका जंक्शन टाइप रूट इंडिकेटर, फेदर्स भी जिसे कहते हैं, और जल रहा है, तो मतलब कि आप लेफ्ट साइड पर, आपका डाइवर्जेंस है लेफ्ट वाली लूप लाइन पर आप जा रहे हैं। अगर कोई भी नहीं जल रहा, कोई भी रूट इंडिकेटर नहीं जल रहा, तो इसका मतलब है, और सिग्नल लोअर है, तो इसका मतलब यह है कि आप मेन लाइन से जाएंगे। ये था, अगर होम सिग्नल रेड है तो आपको पता ही होगा वहां पर रुकना है। अगर येल्लो है और कोई भी रूट इंडिकेटर नहीं जल रहा है, तो इसका मतलब कि आपको मेन लाइन पर जाकर रुक जाना है अगले सिग्नल से पहले। अगर ग्रीन है तो आपको बिना रुके मेन लाइन से निकलना है। अगर येल्लो के साथ कोई रूट इंडिकेटर जला है, तो मतलब कि आपको धीरे धीरे जाना है क्योंकि आप लूप लाइन पर जा रहे हैं। ये भी आपको पता चल जाएगा जिस तरफ का रूट इंडिकेटर जल रहा है। अगर गाड़ी लूप लाइन में न जाकर मेन लाइन में जाएगा तो कोई रूट नहीं जलेगा। इस रूट इंडिकेटर में पांच बल्ब में से कम तीन बल्ब जलना जरूरी है। अगर दो या एक बल्ब जलता है तो एक पूरा के पूरा होम सिग्नल खराब माना जाएगा। एक और महत्वपूर्ण बात बता दूं कि अगर होम सिग्नल में ग्रीन लाइट जल रही है, ग्रीन सिग्नल दिखा रहा है, होम सिग्नल में ग्रीन एस्पेक्ट जल रहा है, तो कोई भी रूट इंडिकेटर नहीं जलेगा, क्योंकि ग्रीन तभी जलेगा होम सिग्नल का जब आप मेन लाइन से जा रहे हैं। लूप लाइन पर जाने के लिए याद रख लीजिए मेरी बात, गांठ बांध लीजिए। लूप लाइन पर अगर आपको लिया जा रहा है या फिर लूप लाइन से निकाला जा रहा है, तो कभी भी होम सिग्नल ग्रीन एस्पेक्ट शो नहीं करेगा। मतलब अगर ग्रीन जल रहा है तो रूट इंडिकेटर कभी भी नहीं जलेगा, ग्रीन तभी जलेगा जब आप मेन लाइन से थ्रू निकलेंगे। दोस्तों, इस तरह का सिग्नल आपको अधिकतर जंक्शन के एरिया में देखने को मिलेगा जहां पे एक से ज्यादा ट्रैक होते हैं, और कभी कभी आपको बीच लाइन में भी देखने को मिलेगा। उसमें क्या रहता है, ये एस्पेक्ट ग्रीन रहता है और एक विंग में लाइट रहते हैं, उसका मतलब होता है कि आगे जंक्शन है बस। लेकिन यहां जो जंक्शन पे इस तरह के सिग्नल होते हैं, इनका मतलब होता है, जैसे येल्लो इसमें लाइट एस्पेक्ट दिखेगा, येल्लो एस्पेक्ट का मतलब हुआ कि आप धीरे धीरे गाड़ी को आगे ले जाए, और ये जो विंग है इसका मतलब होता है कि गाड़ी को किस लाइन पे ले जाना है। अगर मान के चलिए कोई ट्रेन मेन लाइन पे आ रही है, तो ये अगर लेफ्ट का विंग में लाइट कर रहा है, इसका मतलब हुआ कि उस रेल को
लेफ्ट के लाइन पे जाना है। यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो मेन लाइन है ये मेन लाइन है और इस एस्पेक्ट के हिसाब से ये मेन लाइन यहाँ से कट करके इस लाइन पे ट्रेन यानी इस लाइन पे चली जाएगी जो लेफ्ट में लाइन होगा। इसी तरह से अगर राइट पे जाना पड़ेगा तो ये राइट के बल्ब को जलाया जाएगा। और अगर किसी जंक्शन पे दो से ज़्यादा ट्रैक्स है तो उनकी उस हिसाब से इसमें विंग की संख्या बढ़ाई जा सकती है, 4-5-6 तक जितने भी विंग जरूरत होंगे उस हिसाब से लगाया जा सकता है या फिर सिग्नल भी डबल या ट्रिपल लगाया जा सकता है। जो जंक्शन टाइप रूट इंडिकेटर है इसकी भी एक लिमिट है। इस रूट इंडिकेटर में मैक्सिमम पंक्तियों की संख्या 7 होता है क्योंकि 7 पंक्तियों लगाने के बाद इसमें अतिरिक्त पंक्तियां लगाने का जगह नहीं बचता है। यानी कहने का मतलब है जिस स्टेशन पर लूप लाइन की संख्या 7 से अधिक है वहां जंक्शन टाइप रूट इंडिकेटर का प्रयोग नहीं किया। अगर इससे बड़ा यार्ड है तो अगर किसी स्टेशन पर 7 से ज्यादा ट्रैक्स हैं, 7 से ज्यादा लाइंस हैं तो उसके लिए मैं बता दूं थिएटर टाइप रूट इंडिकेटर यूज होता है। अब बात करते हैं मल्टीपल लैंप टाइप रूट इंडिकेटर के बारे में। तो इसमें एक बक्से में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पंक्तियों में बल्ब की व्यवस्था की जाती है। यानी कहने का मतलब है यह एक डिजिटल टाइप का बॉक्स होता है और जिस लाइन के लिए रूट को सेट किया जाता है और सिग्नल को ऑफ किया जाता है तब उस लाइन की संख्या इस डिजिटल बॉक्स, जैसा कि आप लोग इमेज में देख रहे हैं, सिग्नल होम सिग्नल के ऊपर एक डिजिटल बॉक्स टाइप का लगा दिया जाता है। तो जो भी रूट सेट होता है तो जब आप कोई रूट आपने सेट किया और उसके बाद जब सिग्नल लोअर किया तो उस रूट का ही नंबर लिख किया जाता है। हर स्टेशन पर हर ट्रैक को एक नंबर दिया जाता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके जितने भी ट्रैक्स हैं। तो लोको पायलट को ये बताने के लिए बड़े बड़े जंक्शन स्टेशन पर जहाँ पर 7 से ज़्यादा लाइंस होती हैं ये बताने के लिए कि वो किस रूट पर जा रहा है होम सिग्नल के ऊपर, ऐसे ही थिएटर टाइप डिजिटल बॉक्स लगे रहते हैं। जिस भी लाइन के लिए रूट सेट होता है और सिग्नल लोअर किया जाता है उसी लाइन के लिए उसी लाइन का नंबर बन के आ जाता है। जैसा आप लोग के डिजिटल वॉच में नंबर्स बन के आते हैं डिजिटल तरीके से, वैसे ही इसमें भी दिखाता है, इसमें भी शो करता है कि आप किस रूट पर जा रहे हैं। तो बड़े बड़े जंक्शन जहाँ पर लाइंस 7 से ज़्यादा हैं तो जब इससे ज़्यादा लाइन हो जाती हैं तो होम सिग्नल के ऊपर ऐसा ही थिएटर बॉक्स लगा दिया जाता है। इसे थिएटर बॉक्स जंक्शन इंडिकेटर कहते हैं। तो इससे डिजिटली लोको पायलट को बता सकते हैं आप कि वो किस लाइन पर जा रहा है। 1 लिख के आ रहा है तो मतलब वो लाइन नंबर 1 पर जा रहा है, 2 लिख के आ रहा है तो मतलब वो लाइन नंबर 2 पर जा रहा है, 3 लिख के आ रहा है तो मतलब 3 लाइन पर जा रहा है, ऐसे। अब बात करते हैं स्टेंसिल टाइप रूट इंडिकेटर के बारे में। तो दोस्तों इसमें भी एक बॉक्स में लाइट के साथ भिन्न भिन्न स्टेंसिल की व्यवस्था होती है। सेमाफोर में या कलर लाइट दोनों में इसका यूज़ किया जाता है। जिस लाइन में हमें ट्रेन को लेके जाना है उस लाइन का यहाँ अल्फाबेट लेटर संकेत में बता दिया जाएगा। ज़रूरी नहीं कि जिस सिग्नल के ऊपर रूट इंडिकेटर लगा हो या जिस सिग्नल के ऊपर जंक्शन बॉक्स लगा हो, थिएटर बॉक्स लगा हो, वो होम सिग्नल ही हो। ये स्टार्टर सिग्नल के ऊपर भी लगे मिल सकते हैं। सेमाफोर टेरिटरी अभी भी इंडियन रेलवेज में बहुत जगह बहुत सेक्शंस पर काम कर रही है, कार्यरत है। जिनको नहीं पता उनको बता दूँ, सेमाफोर टेरिटरी उसे कहते हैं जहाँ पर वो सिग्नल जो होते हैं वो आर्म टाइप होते हैं, ऊपर नीचे जाने वाले मैकेनिकल तारों से जो बंधे रहते हैं, लीवर खींचने पर तार खींचता है और वो लोअर होते हैं। उस तरह के टेरिटरी की भी तो बात करनी चाहिए। सिग्नल तो हर टेरिटरी में हर तरह के होते हैं, जैसे ज़रूरी नहीं कि होम सिग्नल सिर्फ कलर लाइट टेरिटरी में हो, होम सिग्नल सेमाफोर टेरिटरी में भी होता है। मतलब जितने तरह के सिग्नल्स हैं इंडियन रेलवेज में वो दोनों टेरिटरी में पाए जाते हैं, चाहे वो कलर लाइट हो या सेमाफोर हो। लेकिन हम लोग सेमाफोर को अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं क्योंकि वो कम दिखती है, लेकिन है बहुत जगह। तो चलिए आप लोग को ये भी बताते हैं कि सेमाफोर टेरिटरी में होम सिग्नल कैसा होता है। आप लोग इमेज देख रहे हैं, सेमाफोर टेरिटरी में होम सिग्नल ऐसा होता है। एक ब्रैकेट होता है जिसे गैंट्री कहते हैं, उस पर जितनी लाइन्स होती हैं उस स्टेशन पर उतने आर्म टाइप सिग्नल्स लगा दिए जाते हैं। और ध्यान से देखिए, जो
आम जो आर्म वाला सिग्नल सबसे ज़्यादा लंबा, मतलब जिसकी हाइट सबसे ज़्यादा होती है उस गैंट्री के ऊपर, वो मेन लाइन के लिए होता है, और बाकी जो उससे छोटे वाले होते हैं वो जिस तरफ लगे रहते हैं उस डायरेक्शन के लिए रहते हैं। फॉर टेरिटरी में जो मेन लाइन का होम सिग्नल होगा उसकी हाइट सबसे ज़्यादा होगी, बाकी सबसे ज़्यादा होगी। और राइट हैंड साइड पर अगर जाने के लिए जो होम सिग्नल है वो राइट हैंड साइड पर लगा होगा और मेन लाइन के होम सिग्नल से थोड़ा नीचे होगा, और लेफ्ट हैंड साइड पर जाने के लिए जो होम सिग्नल लगा होगा वो मेन लाइन सिग्नल से थोड़ा नीचे होगा और लेफ्ट हैंड साइड पर जो गैंट्री है उसके लेफ्ट हैंड साइड पर लगा होगा, जैसा कि आप लोग इमेज पर देख पा रहे हैं। यहाँ पर तीन लाइन है, जो सबसे बड़ा है वो मेन लाइन के लिए होम सिग्नल है, और बाकी लेफ्ट हैंड साइड वाला लेफ्ट लूप लाइन के लिए, लेफ्ट हैंड साइड वाला लेफ्ट लूप लाइन के लिए, और राइट हैंड साइड वाला राइट लूप लाइन के लिए